फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मैगी, वो भी चाउमीन स्टाइल में। यहाँ पे एक पैन लेंगे जिसमें मैंने 2 कटोरी पानी ऐड किया है। जैसे पानी अच्छे से उबल जाए हम अपनी मैगी ऐड कर देंगे। और हाँ, इसे गलती से भी तोड़ने की भूल नहीं करना है हमें, वरना ये हमारी चाउमीन जैसी नहीं बनेगी। तो इसे अच्छे से हल्के से मैगी में खोल देना है, अच्छे से मैगी को। और इसे कम से कम 2 मिनट तक हमें पकाना है। और ये अच्छे से डन है हमारी, तो हम अपनी गैस कर देते हैं बंद और इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। और जैसे ही मैंने इसे निकाला, मैंने इसमें एकदम ठंडा ठंडा पानी ऐड कर दिया फ्रिज का, कि इसकी जितनी भी कुकिंग थी वो स्टॉप हो जाए। और अच्छे से पानी निकालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच रिफाइन ऑयल का ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद एक प्लेट में निकालने के बाद मैंने इसमें टमाटो केचप, चिली सॉस, सोया सॉस और आपका 1 पैकेट जो मैगी मसाले का था वो ऐड किया। सिर्फ 1 ही पैकेट ऐड किया है, 1 पैकेट, दूसरा पैकेट हम बाद में ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, हमेशा ध्यान दें कि कभी भी ऐसे सॉसेस वाली बनाओ तो सॉसेस हम पहले ही ऐड कर देना चाहिए, मिक्स कर देना चाहिए मैगी में। तो एक पैन लिया मैंने, कढ़ाई ली जिसमें मैंने 2 चम्मच छोटे से रिफाइन ऑयल ऐड किया है, 1 प्याज ऐड किया जिसे मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया था। इसमें मैं आपके शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी हो गई वो भी ऐड कर सकते हो। मैंने, मेरे पास हरा प्याज पड़ा था वो भी ऐड कर दिया, गाजर थी गाजर भी ऐड कर दी। और हाँ, थोड़ा सा नमक ऐड किया मैंने इसमें, क्योंकि जो हमारे पास मसाला है वो सिर्फ मैगी के लिए, हमारे पास वेजिटेबल के लिए हल्का सा टेस्ट के लिए मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो इसमें हम अपनी मैगी ऐड कर लेते हैं और मैगी को अच्छे से। और हाँ, ये एक मैजिक मसाला जो बचा हुआ था वो भी ऐड किया मैंने इसमें। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, हल्के हल्के हाथों से। इसे हमें दबाना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से टोस्ट करना है इस तरह। आप चाहे तो एक फॉक की हेल्प से या फिर एक चिमटे की मदद से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हो। ये मैं हमारी एकदम मैगी, चाउमीन जैसी मैगी एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।